हेलो मॉमीज, वेलकम टू प्री स्कूल एजुकेशन। हाउ आर यू डूइंग ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो है ऑल अबाउट दो अक्षर के शब्द। जब बच्चा नर्सरी से केजी में जाता है तो स्वर और व्यंजन के बाद हम उन्हें जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो होते हैं दो अक्षर के शब्द। तो यहाँ पे मैं आपको उसके लिए कुछ DIY वर्कशीट्स बताऊँगी कि किस तरीके से आप बहुत ईजीली बच्चों को दो अक्षर के शब्द सिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता ही है कि अगर दो अक्षर के शब्द करने हैं तो बच्चों को स्वर और व्यंजन दोनों का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करवानी है। और इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो वो मेरे आप प्रीवियस वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये इनकी पहचान होना, व्यंजन और स्वर की पहचान होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है दो अक्षर के शब्द के लिए। तो इस तरीके से आप सबसे पहले, कोई हमें पिक्चर ड्रॉ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नॉर्मली हमें ऐसे अक्षर देने हैं बच्चों को और यहाँ पर उन्हें मिला के कराना बताना है। जैसे क प कप, ख त खत, न ल नल, ह ल हल, न थ नथ, ब स बस, ट ब टब, छ त छत, न ट नट, प र पर, और म त मत। अब ये जो वर्कशीट्स हैं, जो भी मैं आपको वर्कशीट्स दिखाऊंगी, एक वर्कशीट को आपको 3 दिन लेना है, 3 डेज एक वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करवानी है, तभी बच्चों को प्रॉपरली समझ में आएगा कि किस तरह से हमें करना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है दो अक्षर के शब्द विथ पिक्चर। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हुई हैं। अब यहाँ पर हम इस तरीके से लिखवाएंगे क प। बच्चा पिक्चर देखेगा और उसके बाद रिकॉग्नाइज करेगा कि ये क्या है, कप। फिर यहाँ पर एक बार और प्रैक्टिस के लिए क प कप। नेक्स्ट है न थ नथ। अगर हिंदी के अक्षर से रिलेटेड आपको फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखिए ट ब टब, उसके बाद है न ट नट। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि फर्स्ट किड्स विल स्पीक आउट एंड आफ्टर दैट दे विल राइट। अब ये है ख त खत, एंड फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मेशन आप बिल्कुल करेक्ट करवाएंगे जो हिंदी के जो बच्चे अक्षर लिख रहे हैं। ये है छ त छत, ब स बस, ह ल हल, और सेम यहाँ पर जैसे मैंने कप लिखा है ऊपर वैसे ही सेम रिपीट करके इनको लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट है वो है हमारी शब्द पूरा करो। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं और साथ में एक एक पहला वाला जो शब्द है वो लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसको आपको बच्चे को पूरा करवाना है क प कप। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक बार और बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पर एक ही बार, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारा करने में भी बच्चे थक जाते हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट दीजिए, लेकिन 3-3, 4-4 डेज के लिए एक वर्कशीट को प्रैक्टिस करवाइए। न थ नथ, ट ब टब, न त नट, छ त छत, ह ल हल, और ब स बस। तो इस तरीके से आप करवाइए कि आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।